वेल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सभी लोग चलिए सो so, नाजमीन वंश सुहानी शिवानी सावन ओके okay, और बाकी सभी स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बेटा वॉइस इज क्लियर मैं ऑडिबल क्लियर आ रही बेटा वॉइस यस बोलो फटाफट वॉइस क्लियर है बेटा करने का यानेश्वर मुक्ता गुड आफ्टरनून बेटा वॉइस क्लियर है येस और नो ओके चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हमारा डिस्कशन एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा रिस्पेक्ट <laughs> चलिए तो वेरी गुड सो so, दोस्तों कल हमने जो भी देखा था एक बार मैं दो मिनट में फटाफट रिवाइज कर देता हूं जो भी हमने देखा था लास्ट सेशन में हमने जो देखा था बेटा यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री क्या है जीएसटी की जीएसटी की कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री आर्टिकल 246 में हमें नहीं दिखी इसलिए उसके लिए नया आर्टिकल लाया गया आर्टिकल 246 ए आई रिपीट आर्टिकल 246 ए ये एक नया आर्टिकल लाया गया इधर इधर आर्टिकल 246 ए ये जो है एक नया आर्टिकल लाया गया और उसके थ्रू पार्लियामेंट और स्टेट को साथ में मिलकर इंडिया के सभी गुड्स और सर्विसेज के जो सप्लाई ट्रांजेक्शन हो गए उसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर गवर्नमेंट ने दे दिया यानी पार्लियामेंट ने दे दिया लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो इंटरस्टेट सप्लाई केस में आईजीएसटी का आई लग, लगाने का पावर यहां पे ध्यान से सुनिएगा <coughs> इंटरस्टेट सप्लाई केस में आई लगाने का पावर जो है वो यहाँ सेंट्रल के पास होगा पर बाद में आई का रेवेन्यू जो है शेयर किया जाएगा चलो ये बात हुई फिर हमने देखा कि आर्टिकल टू शेड्यूल सेवन में भी अमेंडमेंट की गई थी आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स शेड्यूल सेवन एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ इसमें अमेंडमेंट क्या हुई थी मैंने ये डिस्कशन जो है थोड़ा डिटेल में लिया था बेटा लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी डिस्कशन मैंने डिटेल में लिया था अगर वो इंटरप्रिटेशन पे लिया था थोड़ा स्ट्रेच भी किया होगा मैं मानता हूं लेकिन यहाँ पे आ, अगर इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आता है तो फिर मैं अभी जो डायरेक्ट कहूंगा उतना याद रखना क्या हुआ अगर आप यहाँ पे लिस्ट वन में ध्यान से देखिएगा मेरे साथ फटाफट ओके लिस्ट वन में बेटा एंट्री नंबर 84 देखोगे तो ये जो पांच आइटम्स है ये पांच आइटम पे सेंट्रल एक्साइज रखा और टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पे भी सेंट्रल एक्साइज रखा उसके बाद में लिस्ट टू में अगर आप देखोगे तो एक्साइज ड्यूटी लिकर और ओपीएम पे रखा गया है लिकर और ओपीएम पे रखा गया स्टेट एक्साइज ड्यूटी और एंट्री नंबर फिफ्टी में यहाँ पे सेल्स टैक्स या वैट जो है ओके ये पांच आइटम्स और लिकर पे रखा गया और हमने इसके साथ साथ आर्टिकल 246 ए का ये एक्सप्लेनेशन भी देखा था और ये एक्सप्लेनेशन के हिसाब से पांच आइटम पे फिलहाल जो है जीएसटी नहीं आएगा जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है तो ये थोड़ा एनालिटिकल डिस्कशन हमने किया था फिर मैंने एक इंटरप्रिटेशन आपसे करवाया कि भाई आर्टिकल थ्री भी पढ़वाया कि आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स क्लॉस ट्वेल्व ए कहता है कि जब भी इंडिया में जो भी एक्ट में जीएसटी एस ये वर्ड यूज किया जाएगा जिस भी एक्ट में जीएसटी एस ये वर्ड यूज किया जाएगा बेटा तो जीएसटी के लिए ध्यान से सुनना मेरी बात ओके okay, जीएसटी ये वर्ड जब भी यूज किया जाएगा तो उसमें अल्कोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं आएंगे आई रिपीट अल्कोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं आएंगे इज इट क्लियर तो ये था ओके पूरा डिस्कशन

लगेगा ठीक है उसके बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट के पांच आइटम्स अब देखो आज 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 आपको बहुत जाएगा। आज आपको बहुत बहुत इजी इजी जाएगा जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के पांच आइटम्स जो है फिलहाल जीएसटी नहीं है पर फ्यूचर में आ सकता है अल्कोहल कभी नहीं आएगा ओके पर आइटम्स फिलहाल जीएसटी नहीं है पर फ्यूचर में आ जाएगा पर जब तक उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है तब तक सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट और सीएसटी लगेगा आई रिपीट सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट और सीएसटी लगेगा टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स टोबैको

और हाँ एक बात ख्याल रखना ओपीएम पे स्टेट एक्साइज है पर वैट और सीएसटी नहीं है ओनली जीएसटी है ओके okay, तो ये जो है यहाँ पे आपको ये टेबल याद रखना बड़ा जरूरी है क्यों क्योंकि यहाँ जो है इसके अलग अलग इस पे एम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इज इट क्लियर बेटा तो चलिए यहां पे ओके okay, हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे ये डिस्कशन के बाद आया बेटा क्लियरली समझ में आ रहा है ये जो कल का डिस्कशन है कुछ याद आ रहा है ओके okay. तो एक बार फिर से टोबैको टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी और एक्साइज है ओपीएम पे जीएसटी और एक्साइज है लेकिन स्टेट एक्साइज है पांच आइटम्स पे यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल पे ये जीएसटी में नहीं है पर उनके ऊपर एक रिस्पेक्टिव एक्साइज और वैट और सीएसटी है ठीक है बहुत सिंपल में आप कर आपको आपको याद रखना है तो आया बेटा आपके समझ में यस और नो बोलो फटाफट यस और नो बोलो फटाफट हमारा रिवीजन हुआ यहां पे फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हाँ एक सवाल है जितेश का कि सर अगर कभी अल्कोहल पे जीएसटी लगाना होगा तो अगर अल्कोहल पे जीएसटी लगाना होगा तो फिर हमारे संविधान का संशोधन होगा मतलब क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा आर्टिकल 366 अमेंड करना पड़ेगा और आर्टिकल 366 अमेंड करके आप अल्कोहलिक लिकर पे ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगा पाओगे आई बात समझ में आपके बेटा ओके डन चलिए अब यहां पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं चलिए बेटा अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स का ले रहा हूं समझ लो एक है, वजीर सुल्तान और ये कंपनी जो वजीर सुल्तान है ये सिगरेट बना रही है ये मैन्युफैक्चर कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद ओके गुड्स होलसेलर के पास जा रहा है और होलसेलर से रिटेलर के पास जा रहा है तो यहाँ पे टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पे आपको याद होगा तो अब ये जब सप्लाई हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू यहां अज्यूम करते एक एक लाख रुपए है इसके ऊपर क्या टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगती है यस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है तो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी आज भी लगेगी एक्साइज ड्यूटी एट द रेट अज्यूम करते रेट ट्वेंटी परसेंट है करते रेट ट्वेंटी परसेंट है मतलब कितना हो गया ट्वेंटी सही बेटा ट्वेंटी थाउजेंड यानी एक लाख बीस हजार ओके यानी एक लाख बीस हजार अब मैं ये एक बात आपको क्लियर कर दू कि यहां पे एक्साइज ड्यूटी क्योंकि ये

बेटा बफरिंग हो रहा है अभी क्लियर है सभी के लिए अभी क्लियर है यस और नो बेटा अभी क्लियर है सभी के लिए Yes. तो बेटा देखिए यहां पे वैल्यू एक लाख रुपए है और एक्साइज ड्यूटी यहां पे ट्वेंटी थाउजेंड यानी टोटल एक लाख बीस हजार हुआ अब लॉ क्या कहता है कि अगर टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स होगा आई रिपीट टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स होगा तो वो सिचुएशन में एक्साइज लगेगा और सी जी एस टी लगेगा अब ये सप्लाई बेटा स्टेट सप्लाई है स्टेट सप्लाई सप्ला ये सप्लाई स्टेट है और अगर ये इंट्रा स्टेट है तो इसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा पर जीएसटी सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा सुनिएगा ओके सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा मतलब यहां पे अभी जीएसटी के रेट ट्वेंटी एट परसेंट है टोबैको पे तो अभी यहां मैं लिख देता हूँ जीएसटी रेट और जीएसटी रेट ट्वेंटी एट परसेंट है टोबैको पे फुल रेट तो बेटा बेटा भी यहाँ पे जो सी जीएसटी लगेगा यानी एक साइज लग गया एक साइज बीस हजार रुपए टोटल एक लाख बीस हजार रुपए हुआ फिर उसमें सी जीएसटी जो है सी जी एस टी एट द रेट फोर्टीन परसेंट क्योंकि टोटल रेट ट्वेंटी एट परसेंट है एक बार फिर से सुनना टोटल रेट ट्वेंटी एट परसेंट है तो फिफ्टी परसेंट सी जीएसटी लगेगा और फिफ्टी परसेंट बेटा एस जी एस टी लगेगा तो यहां पर 15 14 14% और ये 14% ऑफ 120000 क्योंकि आप ओके okay, वैल्यू जो ही आफ्टर एक्साइज हाँ एक्साइज ऐड करके जीएसटी लगेगा डबल टैक्सेशन होगा बेटा अब टोबैको पे गवर्नमेंट डबल टैक्स लेना चाहती है अब टोबैको पे ले तो क्या दिक्कत है वैसे भी हमको ये प्रोडक्ट को डोमिनेट करना है तो यहां पे सीजीएसटी की अगर हम बात करें तो सीजीएसटी बेटा यहां पे अगर 120000 रुपए इंटू फोर्टीन परसेंट यानी सोलह हजार आठ सौ रुपए देखिएगा बेटा सोलह हजार आठ सौ और ये सोलह हजार आठ सौ ओके ये दोनों टैक्स इसके ऊपर लगेगा ओके और नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर वैट नहीं लगेगा क्योंकि टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट व्हाट में नहीं है वो सेंट्रल एक्साइज और जी में है यहाँ तक समझ में आया तो बेटा यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट की प्राइस मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ध्यान से सुनना टोटल प्रोडक्ट की प्राइस मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ओके यहाँ पे एक लाख बीस हजार एक लाख बीस हजार प्लस सोलह हजार आठ सौ ओके प्लस सोलह हजार आठ सौ ओके यहाँ पे तो एक लाख त्रेपन हजार छः सौ यानी एक लाख त्रेपन हजार छः सौ ओके ये उसकी टोटल प्राइस हो जाएगी और ये जो टोटल प्राइस है इसमें गुड सेल किया जाएगा यहां तक समझ में आया सभी के अगर सभी के समझ में आया तो यस बोलिएगा बेटा साइज लगा और जीएसटी लगा इसके ऊपर ओके सबके समझ में आ रहा है यस और नो जोर से बोलिए हा सर समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं अब अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न है यहाँ पे देखिए वो क्या होलसेलर आगे रिटेलर को सेल करेगा ठीक है ये होलसेलर आगे रिटेलर को सेल करेगा बेटा तो अब ये होलसेलर सेम टोबैको प्रोडक्ट समझ लो सिगरेट है और वो सिगरेट जो है आगे होलसेलर जो है रिटेलर को सेल करेगा अब इसकी जो वैल्यू है ध्यान से देखिएगा इसकी जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे दो लाख रुपए है ये दो लाख में सेल कर रहा है अब मेरा पहला सवाल आपसे अगर जब यह दो लाख में आगे सेल करेगा तो क्या यह होलसेलर जब आगे सेल करेगा तो क्या वो यहां पे एक्साइज लगाएगा या नहीं लगाएगा उसके ऊपर एक्साइज लगाएगा या नहीं लगाएगा अगर वो दो लाख में सेल कर रहा है तो बोलिए एक्साइज लगाएगा या नहीं लगाएगा फटाफट बोलो यस yes. जब होलसेलर आगे सेल करेगा तो एक्साइज लगेगा या नहीं लगेगा बोलिए फटाफट नहीं राघव स्टेट अब टोबैको प्रोडक्ट सेंट्रल एक्साइज में आएगा स्टेट एक्साइज में आता ही नहीं टोबैको प्रोडक्ट्स इसका आंसर दो होलसेलर नहीं लगाएगा क्यों नहीं लगाएगा ओके okay. क्यों क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है होलसेलर ने मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे जब ये होलसेलर आगे सेल करेगा तो यहां पे एक्साइज का सवाल ही नहीं आता है तो उसके ऊपर ओनली जीएसटी लगेगा एक बार फिर से समझ लो टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट जीएसटी में है जीएसटी में है ओके प्लस उसके ऊपर एक्साइज भी लग, एक्साइज लगाई है और सेंट्रल एक्साइज लगाई है उसके ऊपर वैट और सीएसटी नहीं है उसके ऊपर वैट र सी नहीं है ओके okay, ये हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था और अगर आपको ये लर्न नहीं हो रहा होगा तो फिर मैं रिवीजन में आपको लर्न करवा दूंगा डोंट वरी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ओके okay, दो लाख रुपए और इसके ऊपर ओनली सीजीएसटी लगेगा एट द रेट 14% और एसजीएसटी लगेगा एट द रेट 14% ओके okay, आगे ओके okay, इन इन शॉर्ट 2 लाख का 14% तो यहाँ देखो लाख तो और अट्ठाइस एस जी एस टी लगा इन शॉर्ट ओके एक साइज लगता है पर वो ओनली मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लगता है ओके okay, अब ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से बाहर आ चुका है यानी होलसेलर जब रिटेलर को सेल करेगा तो जीएसटी लगेगा चलो एक बार लास्ट फिर से ये लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं

अल्कोहल होगा तो नो जीएसटी जो भी नॉर्मल टैक्सेस है एक्साइज और वैट सीएस टी वे लगेगा पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए तो नो जीएसटी ओके जीएसटी नहीं लगेगा अभी नॉर्मल जो एक्साइज और वैट और सीएसटी हो गए दो ही ऐसे प्रोडक्ट जो आपको लर्न करने हैं दो ही ऐसे प्रोडक्ट जो आपको लर्न करने हैं कौन सा टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट जो जीएसटी में भी है और सेंट्रल एक्साइज में है और ओपीएम ओके वो जीएसटी ओपीएम जीएसटी में भी है और स्टेट एक्साइज में है ओके स्ट्रेट एक्साइज में मतलब उसके ऊपर एक्साइज कंटिन्यू किया हुआ है ओके okay, बाकी वैट और सीएसटी दोनों पे नहीं है इज इट क्लियर चलिए सर होलसेलर के लिए परचेस प्राइस एक लाख बीस हजार है ना यस यस होलसेलर के लिए परचेस प्राइस एक लाख बीस हजार होगी क्योंकि होलसेलर को एक्साइज के क्रेडिट नहीं मिलेंगे आपका सवाल बिल्कुल सही है जितेश ओके okay, होलसेलर के लिए परचेस प्राइस एक लाख बीस हजार हो जाएगी क्योंकि उसको एक्साइज के क्रेडिट जीएसटी में नहीं मिलेंगे हाँ जीएसटी के क्रेडिट जीएसटी में मिल जाएंगे पर एक्साइज के क्रेडिट उसको नहीं मिलेंगे चलो ये हमने देखा इसके बाद में नेक्स्ट बेटा देखिएगा ओके ओपीएम इंडियन हैम्प और नार्कोटिक्स होगा तो मैंने आपको बताया था ओपीएम इंडियन है और नार्कोटिक्स होगा तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा अंडरलाइन करना यहां पे उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज एक लगेगी और वो एक्साइज स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी ओपीएम और नार्कोटिक्स पे जीएसटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा बेटा चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट और एक डिस्कशन लेना चाहूंगा एंटरटेनमेंट टैक्स एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स ये भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सर ये एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट टैक्स क्या होता है बता तो एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट टैक्स जो है ओके okay, ये यहां पे बहुत से एंटरटेनमेंट इवेंट्स लाइक मूवी है या अम्यूजमेंट पार्क है इसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगता है ओके okay, तो यहाँ पे ओके okay, ये जो टैक्स लगाती है एक तो म्युनसिपल कॉरपोरेशन लगाती है ओके okay, और अब देखो ये क्या कहते हैं पंचायत और म्यूनिसिपालिटी और रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल नॉट बी सब्स्यूम अंडर द जीएसटी ओके द लोकल बॉडी ऑफ स्टेट शैल कंटिन्यू सच टैक्सेस अब इसके नीचे जो स्पेस दी है उसमें आपको एक चार्ट बनाना है तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जैसे देखो एंटरटेनमेंट टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स इसमें दो पार्ट है एंटरटेनमेंट टैक्स जो है यहां पे लोकल बॉडीज लगाती थी लेविड बाय लोकल बॉडीज लोकल बॉडीज एंड दूसरा लेविड बाय एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज और लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट तो एंटरटेनमेंट टैक्स ध्यान से देखिएगाय लोकल बॉडीज और लिविड बाय स्टेट गवर्नमेंट तो 2017 के पहले अब ध्यान से सुनो मेरी बात 2017 के पहले एंटरटेनमेंट टैक्स हमारी लोकल बॉडीज यानी म्युनसिपल कॉरपोरेशन पंचायत ये भी लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी यानी स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है और पंचायत और म्युनसिपल कॉरपोरेशन भी लगा रही है यानी लोकल बॉडीज लगा रही है जो स्टेट गवर्नमेंट इंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी वो तो जीएसटी में सब्स्यूम हो गया सब्स्यूम इन जीएसटी सब्स्यूम इन जीएसटी वो तो जीएसटी में सब्स्यूम हो गया मतलब मतलब ये हो गया कि अगर आज अभी जीएसटी लग रहा है तो स्टेट का एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगेगा क्यों क्योंकि वो जीएसटी में वो सब्स्यूम हो गया है यानी जीएसटी कलेक्ट हो रहा है मतलब वो कलेक्ट हो रहा है ओके okay, इन सिंपल वर्ड इट सब्स्यूम इन जीएसटी लेकिन लोकल बॉडी टैक्स ध्यान से देखिएगा लोकल uh, जो एंटरटेनमेंट टैक्स अब ध्यान सुनिएगा ये एंटरटेनमेंट टैक्स अगर लोकल बॉडी लगा रही है लोकल बॉडी लगा रही है मतलब म्यूनसिपल म्युनिसपेलिटी पंचायत लगा रही है तो इट्स नॉट सब्स्यूम इन जीएसटी इट इज नॉट सब्स्यूम सब्स्यूम इन जीएसटी ये जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ दैट इज दैट इज इट इज लेवियबल इट इज लेविएबल

एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का पावर 2017 के पहले लोकल बॉडीज को भी था यानी पंचायत म्यूनिसपल कॉरपोरेशन वगैरह और स्टेट गवर्नमेंट को भी था दोनों एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी अपने अपने लेकिन स्टेट का एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में सबसीम हो गया आई रिपीट स्टेट का एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में सबसीम हो गया लेकिन ओके लोकल बॉडी वाला एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में सबसीम नहीं हुआ और मतलब क्या आज भी जैसे हमें आपको बता दो पुणे के आउटस्कर्ट एरिया में यानी रूरल एरिया में बहुत से अम्यूजमेंट पार्क है ओके okay, तो विलेज में पंचायत एरिया में जैसे आपने नाम सुना होगा सियागढ़ तानाजी मूवी देखी बेटा आपने तानाजी मूवी में ओके okay, जो गढ़ जीता जाता है ना यानी जो किला जीता जाता है वो सियागढ़ था जो पुना से यहाँ से थर्टी फाइव किलोमीटर्स है ओके okay, जो पहले कोंडाना किला नाम था अभी जो है ओके okay, सियागढ़ उसका नाम हो गया है अब वो विलेज में है अब वो विलेज में है तो वहां एम्यूजमेंट पार्क है आजू बाजू तो वहां की पंचायत एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है एम्यूजमेंट पार्क को क्योंकि पंचायत उसका रेवेन्यू लेती है तो वो भी लगेगा और वो एम्यूजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं उस पर जीएसटी भी लगेगा तो ये जीएसटी में सबसिम नहीं किया गया ओके पर हां स्टेट गवर्नमेंट का एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में सबसिम हो गया अब वो नहीं लगेगा ये ये डिस्कशन समझ में आया बेटा आपके यस और नो ये डिस्कशन आपके समझ में आया यस और नो बोलिए बेटा फटाफट ओके okay, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का ओके जैनेश वेरी गुड आगे थोड़ा थेरोटिकल डिस्कशन है फिर बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चालू होगा अभी थोड़ा थेरोटिकल डिस्कशन व्हाट आर दो सर्टन इवेंट्स मतलब ये एम्यूजमेंट पार्क हुआ मूवी हुआ ओके मूवी पे एंटरटेनमेंट टैक्स है ड्रामा है बैलेट है डांस प्रोग्राम है ओके या कोई जैसे गणपति फेस्टिवल में इंटरटेनमेंट्स प्रोग्राम होते हैं तो उसके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स यहाँ पे महाराष्ट्र में तो भी बहुत से पंचायत या कॉरपोरेशंस लगाती है चलिए वेरी गुड ओके ओके चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा यहां पे सो सी जी एस टी एस जी एस टी एंड एलबीटी नहीं 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 ये एलबीटी नहीं है ओके okay, ओके so, okay, मुक्ता एलबीटी नहीं है ये एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी है लोकल बॉडी टैक्स अलग था वो ऑक्ट्रा जैसा था ये नाम ही एंटरटेनमेंट टैक्स है और ये एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडीज है लोकल बॉडीज मतलब यस और नो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा ये देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल जो है नहीं फेस टू फेस बैच का अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा बहुत सारे परमिशंस लेनी पड़ती है पूना में पूना में तो बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है फेस टू फेस क्लासेस के लिए तो फेस टू फेस की अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं पुना में तो मेरा ओके वी स्मार्ट क्या क्या कोई भी क्लास अगर आप लाना चाहोगे तो कोई भी एकेडमी अभी एटलीस्ट दो महीना तो भी रेडी नहीं है क्योंकि कल हमने लीज लिया फेस टू फेस क्लासेस की तो लगभग यहाँ पे सिक्सटीन परमिशंस है ओके okay, मतलब गवर्नमेंट से लो पुलिस चौकी लो फिर तो उनके जो कि okay, पैरामीटर्स उन्होंने दिए गाइडलाइंस दिए फॉलो करो प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है बेटा स्पोर्ट्स इवेंट्स पे लग सकता है अब वो डिपेंड कि आपकी म्युनिसिपल municipal, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत क्या ओके उनके इवेंट्स होते हैं वो डिपेंड्स कि आपकी पंचायत या म्युनिसिपैलिटी क्या ओके कौन से इवेंट पे लगाती है रितेश उसका आंसर हम बाद में देखेंगे तो चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं यहां पे अब आते हैं आर्टिकल 269 ए पे आएंगे आर्टिकल 269 है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स देखो आर्टिकल 246 ए 246 ये ओके ये जीएसटी लगाने का पावर देता है आई रिपीट आर्टिकल 246 ए ये जीएसटी लगाने का पावर देता है ओके और आर्टिकल टू ए 269 ए आईजीएसटी के बारे में कुछ कहना चाहता है स्पेशली आईजीएसटी के बारे में आर्टिकल 269 है अब ये क्या कहता है देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स अंडरलाइन इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ये स्पेसिफिक आर्टिकल बनाया गया और लिखा गया जब भी सप्लाई इंटरस्टेट होगा तो उस उसपे जीएसटी लगाने का पावर यानी आईजीएसटी लगाने का पावर ये सेंट्रल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन अ मैनर एस मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल देखो क्या हुआ था इसकी हिस्ट्री में आपको बताता हूं हुआ क्या था बेटा नाउ ये डिसीजन लिया गया था कि आईजीएसटी जो लगाया गया, जाएगा इन केस इंटर स्टेट सप्लाई वो आईजीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल कलेक्ट करेगा सुना बड़ा अच्छा स्टोरी है आईजीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल कलेक्ट करेगा और ये भी डिसाइड हुआ कि सेंट्रल ने कलेक्ट करने के बाद वो स्टेट के साथ स्टेट uh, को बांटेंगे और हमने ये देखा कि वो डेस्टिनेशन स्टेट को बांटेगे उसका रेवेन्यू ठीक है पर स्टेट वाले डर रहे थे स्टेट वालों ने कहा कि ठीक है आप अभी तो बोल रहे हो कि भाई ओके बांटोगे कल जाके मना कर दिया तो अब जैसे कोविड के, के केस में ओके सेंट्रल ने पैसा ही नहीं दिया आईजीएसटी का स्टेट वालों को बहुत से स्टेट वाले परेशान थे कि अरे आईजीएसटी का हमारा शेयर तो दे दो नहीं दिया तो यहां पे स्टेट वालों को भरोसा नहीं था सेंट्रल वालों पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं यार ओके okay, कल जाके तुमने नहीं बांटा पैसा तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में लिखकर चाहिए स्पेशल आर्टिकल चाहिए कि लेवी और कलेक्शन आप करोगे लेकिन बाद में आप अपोर्शन करोगे बाद में आप अपोर्शन करोगे इन अ मैनर एज

तो वो इंपोर्ट को भी इंटरस्टेट माना जाएगा और वो इंपोर्टेड गुड्स और सर्विस पे भी आईजीएसटी लगाया जाएगा आई रिपीट वो इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज भी जी क्या आईजीएसटी लगाया जाएगा क्लियर यस और नो ठीक है तो यहां पे आईजीएसटी के बारे में उन्होंने कहा लेवी और कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वो पैसा अपोर्शन करना पड़ेगा बिटवीन स्टेट एंड यूनियन और इंपोर्टेड गुड्स होगा तो उस पर भी आईजीएसटी लगाया जाएगा वो भी इंटरेस्टेड कहलाया जाएगा अमाउंट अपोर्शन क्या ओके okay, कुछ एक स्पेशल होता है कंसोलिडेटेड फंड ये फंड वैसा होता है कि जो पैसा ओके okay, सेंट्रल के पास आती हैल वो पैसा स्टेट के साथ ओके okay, अलग अलग खर्चों के लिए शेयर करता है तो आईजीएसटी का पैसा जो सेंट्रल के पास आएगा वो कंसुलेटेड फंड का पार्ट नहीं माना जाएगा वो यहां पे स्टेट का ही पैसा माना जाएगा मतलब क्या होता है कि जो फंड आता है ओके okay, सेंट्रल के पास बहुत से रेवेन्यू सेंट्रल के पास आते हैं तो फिर वो ओके okay, कोई स्टेट में फ्लड आ गया तो उसको पैसा बांट देते हैं कोई स्टेट को बैकवर्ड रीजन को प्रमोट करना है उसको बांट देते हैं लेकिन आई का पैसा ऐसा ओके कंसुलिटेट फंड का पार्ट नहीं माना जाएगा ये स्टेट को बांटा जाएगा और ये डेस्टिनेशन स्टेट को ही बांटा जाएगा वो स्टेट का रेवेन्यू माना जाएगा इज इट क्लियर तो ये था रिगार्डिंग टू आर्टिकल यहाँ पे 269 ए आई रिपीट आर्टिकल 269 ए हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्लियर यस और नो ठीक है इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो एक सवाल है कनिका का सर जी आ, जैसे कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ बिटवीन कंज्यूमर एंड ट्रेडर टू टू सर फिर स्टेट को आईटीसी तो देना ही नहीं पड़ेगा बिकॉज कंज्यूमर तो आगे सेल करते ही नहीं कंज्यूमर इज अ लास्ट कस्टमर बेटा एंटायर बर्डन इज ऑन कस्टमर लास्ट कंज्यूमर ठीक है तो बेटा अभी मैंने थोड़ा थेरोटिकल डिस्कशन है फिर एक हम इंटरेस्टिंग डिस्कशन चालू करेंगे ये आर्टिकल को खत्म कर लेते हैं ओके चलो आपको कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आर्टिकल 269 सिक्सटी ए से रिलेटेड कोई आपका डाउट क्वेश्चन तो बताइए हाँ, अब नेक्स्ट यहां पे आर्टिकल 366 इसमें सबसे पहले जीएसटी की डेफिनेशन क्या होगी ये हम देख चुके हैं आर्टिकल 366 सिक्सटी ए के तहत जीएसटी मतलब टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस ओके टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा पर उसमें अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजन नहीं देखा जाएगा फिर आर्टिकल 366 में यहां पे सर्विस की डेफिनेशन इस पर मैं स्पेशल डिस्कशन हमारे पहले चैप्टर में लूंगा इसलिए अभी कुछ ज्यादा नहीं पड़ा होगा सर्विसेस की डेफिनेशन सर्विसेस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स ओके पर इसका स्पेशल डिस्कशन मैं आगे लूंगा बहुत डिटेल में हम देखेंगे डोंट वरी फॉर दैट ओके तो इसका डिस्कशन हम बाद में देखेंगे उसके बाद में स्टेट एस पर न्यू आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स बी स्टेट विफरेंस टू आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए टू सिक्स यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिचर यह पॉइंट का थोड़ा समझ लो पता है सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी है ओके okay, अब ये यूनियन टेरिटरी कहां से बढ़ा है बताता हूं पहले जो है ओके इंडिपेंडेंस के पहले अलग अलग ओके राजाओं के कब्जे में हमारा एरिया था फिर सभी राजाओं को यूनाइटेड किया गया और एक इंडिया यूनियन टेरिटरी बनाएगी तो महाराष्ट्र भी यूनियन टेरिटरी है गोवा भी यूनियन टेरिटरी है एमपी यूपी भी यूनियन टेरिटरी है सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी है लेकिन जो यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर है स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा है जो यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर यानी विधानसभा है उसको स्टेट कहा गया और जो यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर नहीं है उसको यहां पे ध्यान से सुनना उसको यूनियन टेरिटरी कहा गया एक बार फिर से है तो सभी यूनियन टेरिटरी है तो बेटा सभी यूनियन टेरिटरी ध्यान से देखिएगा लेकिन जहां स्टेट लेजिस्लेचर है विधानसभा है स्टेट लेजिस्लेचर है विधानसभा है ओके उसको स्टेट कहा गया और जहां नो स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है ओके उसको यूटी कहा गया उसको यूटी गया, गया तो अब मैं थोड़ा आपको और इसको इलेबरेट करता हूं देखो और कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है लेजिस्लेचर है और पार्टली विधानसभा की पावर दी है जैसे जैसे मैं आपको यह कहूं तो एग्जाम्पल लू दिल्ली दिल्ली में ओके विधानसभा दी हुई है स्टेट गवर्नमेंट आती है पर पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जैसे महाराष्ट्र महाराष्ट्र में पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है ओके जो भी स्टेट से रिलेटेड पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन की पूरी पावर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है पुलिस भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो की होगी और जितने भी स्टेट पावर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है ओके दिल्ली में बेटा यहां पे जहां तक देखा जाए ध्यान से सुनो दिल्ली में पुलिस का पावर सेंट्रल लेके रखा है और कुछ ओके okay, एरिया ऐसा है ओके okay, जो नॉर्मली स्टेट के पास होता है पर सेंट्रल के पास पावर दी गई है तो जैसे दिल्ली दिल्ली में पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है ओके okay, पार्टली मतलब पार्टली पावर ही विधानसभा को दी गई है ठीक है दूसरा है पुडुचेरी ओके okay, अने पौंडीचेरी पौंडीचेरी को हम जो है वर्ड यूज करेंगे ओके okay, पौंडिचेरी को हम वर्ड यूज करेंगे पुडुचेरी ओके okay, तो पुडुचेरी में ओके स्टेट लेजि वो यूनियन टेरिटरी भी है ओके okay, वो यूटी है पर वहाँ स्टेट लेजिस्लेचर भी है इसलिए पौंडिचेरी ओके okay, ये भी यहाँ ओके पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर की पावर चलती है और अब अब आ गया कश्मीर आई रिपीट अब आ गया बेटा ओके okay, जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है अब लॉ क्या कहता है अब मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है जहां कंप्लीटली स्टेट लेजिस्लेचर है जहां कंप्लीटली स्टेट लेजिस्लेचर है वहां एस जीएसटी लॉ पास होगा वहां एस जीएसटी लॉ रहेगा जो कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी है आई रिपीट जो कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी है मतलब वहां कोई विधानसभा नहीं है जैसे चंडीगढ़ हुआ अंदमान निकोबार हुआ दीव दमन हुआ ओके तो जो कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे यूटी जीएसटी रहेगा यूटी जीएसटी रहेगा ठीक है यानी यूनियन टेरिटरी यानी यहां पे यूनियन टेरिटरी मतलब क्या ओके okay, यहां राज जो चलता है ध्यान से सुनो यूनियन टेरिटरी यहां राज जो चलता है सेंट्रल का चलता है ओके okay, सेंट्रल वहां अपनी गवर्नमेंट बनाती है सेंट्रल वहां का एडमिनिस्ट्रेशन करती है जैसे अंदमान निकोबार का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल करता है उसके बाद में यहां पे दीव uh, दमन का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल करता है तो सेंट्रल का राज चलता है तो ये यूटी जीएसटी जो है बेटा वहां लगेगा ओके प्योरली यूटी जीएसटी लगेगा लेकिन फिर एक सवाल आता है ओके okay, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप मुझे जवाब देना जहां कुछ पावर सेंट्रल के पास है जैसे पुलिस की पावर सेंट्रल के पास आती है और कुछ अदर पावर्स से, है जो सेंट्रल के पास आती है और एजुकेशन है हेल्थ केयर है ओके okay, और कुछ पावर है वो स्टेट के पास होती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है मतलब वहां स्टेट लेजिस्लेचर है लेकिन उनके पास पार्टली पावर है जैसे दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी पुलिस का पावर सेंट्रल ने लेके रखा है और कुछ सेक्टर सेंट्रल ने लेके रखे है एजुकेशन जो होम सेक्टर है एजुकेशन है वेलफेयर है हेल्थ केयर है वो स्टेट ने लिए तो आप मुझे ये बताइए कि जहां पार्टली पावर स्टेट के पास है और सेंट्रल के पास है तो वो है तो यूटी यानी दिल्ली है तो यूनियन टेरिटरी पर वहां स्टेट लेजिस्लेचर भी है है तो वो यूनियन टेरिटरी पर वहां स्टेट लेजिस्लेचर है तो मुझे बताओ यहां कौन सा एक्ट चलना चाहिए यानी दिल्ली में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है पुडुचेरी में इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो एक तो सीजीएसटी तो लगेगा सभी केस में सीजीएसटी तो लगेगा वो दूसरा कौन सा लगना चाहिए क्योंकि ह, वो है यूनियन टेरिटरी भी और वो स्टेट लेजिस्लेचर भी है तो कौन सा कौन सा टैक्स लगना चाहिए वहां पे चलो बताओ फटाफट आपका व्यू क्या है बोलो फटाफट बेटा मैं तो दो मिनट में बता सकता हूं लेकिन मैं आपका भी जानता हूं कि आप क्या कहते हो याने, याने जो का, 50, 50 जो सीजीएसटी सीजीएसटी का है वो तो सेंट्रल को मिलेगा रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट किसको मिलना चाहिए क्योंकि यहां तो दोनों गवर्नमेंट काम कर रही है तो रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट किसको मिलना चाहिए बोलिए एक आंसर आया सर यहां दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में एस जीएसटी यूटी जीएसटी लगना चाहिए और फिर अपोर्शन होना चाहिए नहीं 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 मैं स्टेट की बात कर रहा हूं मैं स्टेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर सेल किया जा रहा है पुडुचेरी के अंदर सेल किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेल किया जा रहा है तो कोई यूटी जीएसटी कह रहा है कोई एस जी एस टी कह रहा है ओके okay, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा डिसीजन ये हुआ था कि यहां पे इवन दो ये यूनियन टेरिटरी है और स्टेट लेजिस्लेचर है पर ओके okay, जीएसटी जो है जीएसटी का रेवेन्यू ओके स्टेट को दिया जाएगा यानी एस जीएसटी लगेगा ओके okay, यहां पे एस जीएसटी यूटी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि यूटी जीएसटी कहा कि फिर ओके यहां पर रेवेन्यू पूरा सेंट्रल को जाता है जैसे जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ओके okay, ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां फुल्ली स्टेट लेजिस्लेचर है एग्जाम्पल लेता हूं महाराष्ट्र और और महाराष्ट्र में ध्यान से देखिएगा महाराष्ट्र में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ यानी महाराष्ट्र के अंदर बेचा गया तो यहां पे ध्यान से सुनो यहां पे सी जी एस टी फिफ्टी परसेंट लगेगा यानी पचास टका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और एस जी एस टी पचास परसेंट यानी पचास टका महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेगी पचास टका महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेगी नौ यूटी जी एस टी यूटी जी एस टी यहाँ पे यानी जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है एग्जाम्पल लेता हूं ओके दीव दमन या अंदमान निकोबार ए एंड एन अंदमान निकोबार अगर यहां पे सप्लाई होता है ओके यानी यहां इंट्रा स्टेट यानी अंदमान निकोबार के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है विद इन अंदमान निकोबार बेचा जाता है तो यहाँ पे सी जी एस टी जो है पचास टका होगा जो सेंट्रल लेगा और यूटी जीएसटी ध्यान से देखिएगा यूटी जीएसटी पचास टका ओके ये यूटी जीएसटी और यूटी जीएसटी भी कौन सेंट्रल क्योंकि यूनियन टेरिटरी सेंट्रल के हाथ में यानी ये पचास भी सेंट्रल को गया और ये यूटी जीएसटी भी सेंट्रल को गया क्योंकि वहां कोई स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ओके तो पूरा सेंट्रल को ही जाएगा इनवाइस में दो नाम से लिखा जाएगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी इज इट क्लियर लेकिन तीन ऐसे स्टेट है दिल्ली पोड्यूचरी एंड जम्मू एंड कश्मीर जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर भी है स्टेट को भी पैसा लगता है क्योंकि स्टेट भी एडमिनिस्ट्रेशन करता है <coughs> स्टेट भी हेल्थ केयर हैंडल कर रहा है एजुकेशन हैंडल कर रहा है ओके और बहुत सारे सेक्टर हैंडल कर रहा है तो अगर दिल्ली के अंदर सेल होता है ध्यान से देखिएगा दिल्ली के अंदर सेल होता है और वो इंट्रास्टेट सेल होता है तो इंट्रास्टेट सेल होता है बेटा तो सीजीएसटी तो लगेगा ही पचास टका लेकिन दूसरा पचास टका जो है वो यूनियन नहीं रखेगा ओके इवन दो यूनियन को सेक्टर हैंडल कर रहा है लेकिन वो दूसरा पचास टका यूनियन नहीं वो स्टेट को दिया जाएगा यानी वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा कर रही है वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली में आप गवर्नमेंट एजुकेशन में बहुत अच्छा नाम किया है इन्होंने ओके हेल्थ केयर में भी अच्छा नाम किया है उन्होंने तो दिल्ली में आप गवर्नमेंट जो है ओके okay, वो पैसा रखेगी सेंट्रल वाले नहीं रखेंगे यानी 50 परसेंट एस जी एस लगेगा तो ये पूरे डिस्कशन से मैं एक पॉइंट आपको कहना चाहता हूं जो एम क्वेश्चन में सवाल आ सकता है और वो क्या सवाल आ सकता है बेटा कि यहां पे कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे एस लगता है कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां पे एस जी एस टी लगता है तो ऐसी है है है। और और okay, और और तीन ऐसी यूनियन टेरिटरीज तो है जहां एच जी एस टी लगता है बोलो कौन सी तीन यूनियन टेरिटरीज दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर कम ऑन ओके दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ये तीन ऐसी यूनियन टेरिटरीज है ओके तो जहां एच जी एस टी लगता है और जी एस टी का जो फिफ्टी परसेंट वाला पार्ट है ओके वो आप गवर्नमेंट रखेगी या पुडुचेरी में जो भी गवर्नमेंट होगी जम्मू एंड कश्मीर में जो भी गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट उसका पैसा रखेगी इज इट क्लियर यस और नो चलो अगर समझ में आया होगा ओके तो यहां पे जोर से एक बटन दबाइएगा ओके आपके कोई डाउट्स हो गए क्वेश्चन हो गए तो आप पूछ सकते हो यस दादर एंड नगर हवेली फुल यूनियन टेरिटरी है मैं नाम दूंगा आपको ओके दादर नगर हवेली फुल यूनियन टेरिटरी है समझ में आया दिल्ली फुल यूनियन टेरिटरी नहीं है वहां स्टेट लेजिस्लेचर भी है इसलिए जीएसटी का रेवेन्यू स्टेट वालों को दिया है फिफ्टी परसेंट रेवेन्यू बाकी फिफ्टी तो सी जीएसटी ले गई चलो और कोई डाउट क्वेश्चन फटाफट बोलो समझ में आया होगा ओके तो एक मिठाई हो जाए डोंट बी ए डम ओके okay, बोलो समझ में आ रहा है सर चलिए तो यहां पे बेटा आज करंट सिचुएशन में ट्वेंटी एट स्टेट में ओके okay, एसजीएसटी लगता है और दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ये स्टेट में भी एस जी एस टी लगता है एच जी एस टी लगता है क्लियर येस और नो मोहित अभी डेट फाइनल होना बाकी है मोहित प्लीज स्पैम ना कीजिएगा अभी डेट फाइनल होना बाकी है चिराग अगेन एक्सप्लेन यू जीएसटी बेटा यहाँ पे जहां तक है अगर ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है जैसे दीव दमन है चंडीगढ़ है दादर नगर हवेली है अंदमान निकोबार है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है वहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल करती है तो उस यूनियन टेरिटरी में अगर जीएसटी ट्रांजैक्शन हुए तो सीजीएसटी लगता है और यूटीजीएसटी लगता है और नो डाउट दोनों गाँव रेवेन्यू सेंट्रल का ही है क्योंकि यू क्योंकि सेंट्रल तो स्टेट वो एरिया भी हैंडल कर रही है तो दोनों लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है यूनियन टेरिटरी है जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है जैसे तीन दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर तो इवन दो ये यूनियन टेरिटरीज़ है इवन दो ये यूनियन टेरिटरीज़ है पर बेटा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है और डिसीजन ये लिया गया था कि जीएसटी का जो 50 परसेंट रेवेन्यू है फिफ्टी तो सी ले ही रहा है पर रिमेनिंग फिफ्टी रेवेन्यू है वो यूटी जी एस टी नहीं इवन दो दिल्ली यूनियन टेरिटरी होगी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी होगी पर वहां स्टेट लेजिस्लेचर होने की वजह से वहां विधानसभा होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट रहेगी बेटा तो वो सिचुएशन में यहां पे एज वहां पर यूटी जी एस टी नहीं लगाया जाएगा वहां एस जी एस टी लगाया जाएगा और वो जो जो भी स्टेट गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है जैसे दिल्ली में आप काम कर रही है आप गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो पैसा रखेगी इसलिए वहाँ यूटी जी एस टी नहीं क्या लगेगा बेटा वहाँ एस जी एस टी लगेगा इस क्लियर उत्तराखंड तो स्टेट है ना बेटा वो यूनियन टेरिटरी नहीं है वो स्टेट है वो फुल स्टेट है और वो फुल स्टेट है तो उत्तराखंड में सवाल ही नहीं आता एस जीएसटी लगेगा ओके okay, मैं आगे आपको लिस्ट दूंगा डोंट वरी फॉर दैट कितनी यूनियन टेरिटरीज है मैं सब लिस्ट दूंगा आपको ठीक है चलिए तो ये डिस्कशन रहा हमारा यहां पे बेटा मैं आ, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम देख रहा हूँ बार बार मुझे इंटीमेशन आ रही है और लैगिंग भी हो रहा है अगर इन बिटवीन बेटा यहाँ पे कट हो जाए आई रिपीट इन बिटवीन कट हो जाए तो हम सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कल का सेशन कब रहेगा और मंडे का सेशन कब रहेगा तो अकॉर्डिंगली हम सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में मुझे दो ही सेशन लगेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कंटिन्यू होगा अगर इन बिटवीन बंद हो गया तो ठीक है चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल 279 ए पे आएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ठीक है अब ये काउंसिल क्या है बेटा मैं बता देता हूं जीएसटी काउंसिल इसके बारे में पहले भी बात की थी कि डिसीजन ये लिया गया था यहां पे कि दोनों मिलकर आई रिपीट दोनों मिलकर यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर जीएसटी की पॉलिसी डिसाइड करेंगे लेकिन आज ये सिंपल नहीं था कि 28 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल ये सब ने मिलकर एक कॉमन डिसीजन पे आना और बार बार सभी स्टेट को चलो आ रहे सभी स्टेट वाले चलो ये अब डिसीजन लेते हैं जीएसटी का आज ये प्रॉब्लम आ रहा है आज वो प्रॉब्लम आ रहा है निर्मला जी सबको बुला रही है चलो बैठते हैं ये पॉसिबल नहीं था इसलिए फिर ये सजेशन दिया गया कि क्यों ना हम काउंसिल बनाए ओके जीएसटी काउंसिल बनाए और ये जीएसटी ये परिषद बनाए जिसमें ओके चेयर पर्सन होगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर पर्सन होगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके और उसके मेंबर होगे स्टेट्स के मेंबर यानी वाइस चेयरमैन पर्सन टू बी चूज इन द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी चेयर पर्सन की सीट फिक्स होगी फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया इंडिया वाइस चेयर सभी स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेंगे और इसके मेंबर होगे ओके okay, जो फाइनेस मिनिस्टर होगा स्टेट फाइनेंस का रहेगा और इसके जो में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हो गए और वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इसके में ट्वेंटी नाइन स्टेट्स के प्लस यूनियन टेरेटरीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए वो प्लस ओके चेयरपर्सन होगा सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ओके okay, वाइस चेयरपर्सन कौन सा सिलेक्ट करेगा तो ये सभी स्टेट पर्सन स्टेट मिलकर सिलेक्ट करेंगे ओके okay, तो यहाँ पे इस तरह से एक परिषद बनाई गई और एक काउंसिल बनाया गया ठीक है उसके बाद में ओके okay, जब भी ये काउंसिल बैठेगा तो मिनिमम 50 परसेंट ऑफ टोटल मेंबर का कोरम रहेगा यानी जब भी कोई डिसीजन लेना रहा या पॉलिसी बनानी रही जीएसटी की तो 50 परसेंट प्रेजेंटी होना जरूरी है ओके स्टेट हैव टू थर्ड वेटेज एंड सेंटर हैव वन थर्ड वेटेज ओके हाँ कोई भी पॉलिसी पर पास होना है तो स्टेट uh, के पास टू थर्ड वोटिंग रहेगी और सेंटर के पास वन थर्ड वोटिंग रहेगी यानी ओके सेंट्रल और स्टेट तो ये सिचुएशन में कोई भी पॉलिसी प्रपोज़ कि चलो आज जीएसटी में रहेगी, और के पास रहेगी. 75 okay, कोई भी डिसीजन अगर जीएसटी में लेना रहे क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाएगा बेटा वो सेंट्रल और सभी स्टेट के लिए कॉमन रहेगा एक जैसा रहेगा उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में डिसीजन okay, इंप्लीमेंट होने

और वन स्टेट को सेंट्रल को वन थर्ड वेटेज दिया जाएगा ओके कोई भी डिसीजन अगर लागू करवाना है तो सेवेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा ओके मेजोरिटी वोट्स उसको चाहिए तो ही वो डिसीजन ओके यहाँ जीएसटी में इंप्लीमेंट होगा और ओके वो जीएसटी में इंप्लीमेंट होने के बाद सभी स्टेट और सेंट्रल वो फॉलो करेंगे ख्याल रहे अब मैं आपको एक बात बता दूं जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडिविजुअल पावर वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहती है जब तक जीएसटी काउंसिल फैसला नहीं लेगा क्योंकि ये फैसला लेगी और यह फैसला लेने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेगा आई रिपीट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेगा यानी एक सिंपल वर्ड में कहूं तो जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है तब तक आप जीएसटी में कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी ओके okay, तो ये काउंसिल का डिसीजन जीएसटी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा इज इट क्लियर ओके तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू जीएसटी काउंसिल यहां पे आज थोड़ा थेटिकल डिस्कशन है मैं पहले ही कह रहा हूं हां अब ये जो जीएसटी काउंसिल है किन किन बातों पे अपना रिकमेंडेशन दे सकती है आई रिपीट जीएसटी काउंसिल है किन बातों पे अपना रिकमेंडेशन दे सकती है तो ये एग्जाम में आ सकता है रिकमेंडेशन बाय जीएसटी काउंसिल थे क्वेश्चन देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल मेक अ रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट ऑन टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस ना सेंट्रल वाले कंटिन्यू करेंगे ना स्टेट वाले कंटिन्यू करेंगे जीएसटी में मर्ज कर दिए जाएंगे ये काउंसिल डिसाइड करेगी अगर आपको वो लिस्ट याद होगी तो सेंट्रल के और स्टेट के अप्रोक्सीमेटली सेवनटीन टैक्सेस छोटे बड़े मिला के कि वो जीएसटी में सब्स्यूम कर दिए गए ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी एग्जामशन इन जीएसटी मतलब क्या किस गुड्स पे एग्जाम्पन देना चाहिए किस सर्विसेस को एग्जाम्शन देना चाहिए जीएसटी से ये डिसीजन इंडिविजुअल स्टेट नहीं करेगा ये डिसीजन इंडिविजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी ये डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगा और जीएसटी काउंसिल ओके डिसीजन लेने के बाद यानी मेजोरिटी से यह डिसीजन लिया जाएगा और फिर किसी गुड्स को या सर्विसेस को जीएसटी से एग्जाम किया जाएगा जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हेल्थ केयर सर्विस डॉक्टर की सर्विस डॉक्टर की सर्विस जीएसटी से एग्जम्प्ट है ओके okay, तो ये जो डिसीजन है भाई महाराष्ट्र स्टेट ने एग्जाम्पन दिया फिर एमपी में एग्जम्शन नहीं दिया फिर यूपी में नहीं दिया ऐसा नहीं है पूरे इंडिया में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट ये पॉलिसी चलेगी तो अगर किसी बात को एग्जम्पन देना है तो हम जीएसटी काउंसिल में डिस्कस करेंगे 75 परसेंट वोटिंग से उसको पास करवाएंगे और पूरा इंडिया अब वो डिसीजन इंप्लीमेंट करेगा यानी सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल ये जो है सभी उसको इंप्लीमेंट करेंगे ओके okay, तो सभी उसको इंप्लीमेंट करेंगे बेटा वो वोट वेटेज में मत जाइए क्योंकि वो टेक्निकलिटी है कि कैसे वो बाइफरसेंट होगा 75 परसेंट ओके okay, उसका वोटिंग कैसे किया जाएगा उसकी टेक्निकलिटी में मत जाइए एटलीस्ट एट इंटर लेवल वो हमारा पोर्शन का पार्ट नहीं है बस आपको एक ब्रॉड सेंस में समझना है कि काउंसिल को इस तरह से डिसीजन लेना है आई सजेस्ट यू उसके डिटेल में मत जाइए ठीक है राघव कोरम मीनस होता है कि ओके okay, ये आपको लॉ में समझ में मिलेगा क्रम मतलब जैसे सोसाइटी सोसाइटी सौ लोगों की सोसाइटी आपकी हाउसिंग सोसाइटी लो लो सौ लोग सौ लोग उसमें मेम्बर है ओके okay, और आज सोसाइटी की मीटिंग है अब सैटरडे को सोसाइटी की संडे को सोसाइटी की मीटिंग है और सौ लोग में से दो लोग आए और दो लोग आए मीटिंग में बाकी कोई आया नहीं तो अब बेटा दो लोग अगर कोई सो, पूरे सोसाइटी का डिसीजन लेंगा ओके okay, तो वो उसको वैलिडिटी नहीं रहेगी एक कोरम चाहिए कोरम चाहिए मतलब कोरम मतलब एटलीस्ट ओके पचास परसेंट से ज्यादा तो भी मेंबर आने चाहिए तो ही वो सोसाइटी का डिसीजन माना जाएगा ओके okay, दो लोग पूरे सोसाइटी का डिसीजन कैसे लेंगे अब उसमें कोरम मिला ही नहीं कोरम मतलब कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है अब कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है अगर दो ही मेंबर आए तो कहां से कोरम होगा और पूरे सोसाइटी का डिसीजन वो ले रहा है पॉसिबल ही नहीं है फिर वो ओके मीटिंग बर्खास्त हो जाती है तो वैसे ही जीएसटी में जीएसटी में जब भी काउंसिल बैठेगा तो 29 स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी के यहां फाइनेंस मिनिस्टर और यहां चेयर पर्सन सेंट्रल मिनिस्टर ये होने चाहिए अब इसमें समझ लो आज काउंसिल मीटिंग हुई आज समझ लो यहां पे मुंबई में काउंसिल मीटिंग थी उसमें से सिर्फ आठ स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर आए तो फिर ऐसे केस में पूरे इंडिया का डिसीजन आठ मेंबर कैसे ले पाएंगे कुछ कोरम तो होना चाहिए कोरम मतलब नंबर ऑफ मेंबर कुछ पर्टिकुलर तो होना चाहिए तो पचास

जीएसटी काउंसिल कौन कौन सी बातों का रिकमेंडेशन दे सकता है हाँ, याने कौन से सर्विसेस पे हमने एग्जामेशन देना चाहिए इस पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा उसके बाद में मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ प्रिंसिपल ऑफ लेवी ओके यानी जीएसटी का जीएसटी लॉ कैसा बनाया जाएगा मॉडल में बनाया जाएगा जैसे एक उसका एक उसका एग्जांपल हमने देखा ड्यूएल मॉडल जीएसटी ड्यूएल मॉडल में लगेगा जब इंट्रा स्टेट होगा इंटर स्टेट होगा तो वो केस में सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी लगेगा ये सभी आई जीएसटी काउंसिल ने लिए काउंसिल मतलब ओके सभी स्टेट्स के मेंबर और सेंट्रल के मेंबर इन्होंने लिए प्रिंसिपल ऑफ लेवी अपोर्शनमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑनलाइन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स यानी जब इंटरस्टेट सेल होगा तो वो केस में आई जीएसटी का ऑपोर्शन सेंट्रल और स्टेट में कैसे होगा यह भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा उसके बाद में थ्रेशोल्ड लिमिट Okay, आपने कभी सुना होगा okay, का बेसिक एग्जाम्पन है यानी ढाई लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है वैसे जीएसटी में भी एक टर्न तक आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा यानी जो छोटे रिटेलर है अब इमेजिन करो बेटा ओके okay, रास्ते पे जो वेजिटेबल बेच रहा है वो भी गुड्स बेच रहा है लेकिन उससे टी कलेक्ट करना उससे जीएसटी की रिटर्न भरवाना उससे कंप्लायंस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो छोटे रिटेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक टर्न ओवर तक यहां पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा ओके okay, जैसे मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दे तो 20 20 करेगा बेटा जीएसटी काउंसिल सभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल और इंडिया में यूनियन टेरिटरीज जो भी होगी वो इतने टर्न ओवर तक ओके okay, उस रिटेलर उस बिजनेसमैन पे जीएसटी नहीं लगाएगी जिसे हम बेसिक एग्जामेशन कहते हैं ठीक है बेटा उसके बाद में रेट इंक्लूडिंग फ्लोर रेट एंड बैंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब क्या ओके okay, जीएसटी के बेस रेट ओके जैसे आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होगा जीएसटी के बेस रेट अभी जो चालू है वो 5%, 18%, okay, अगर आपको याद होगा तो फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट तो ये जो जीएसटी के रेट कौन डिसाइड करेगा तो ये बेटा जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा आई रिपीट ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा उसके बाद में स्पेशल रेट्स और रेट ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड टू रेस द एडिशनल रिसोर्सेस अभी देखो अभी अभी बात चालू है कि कोविड सेस लगाना है एक स्पेशल रेट लगाना है कोविड कोविड में गवर्नमेंट का बहुत नुकसान हुआ तो कोविड के लिए एक स्पेशल रेट लगाना है इनकम टैक्स में और जीएसटी में भी अब ठीक है देखते कब से आएगा लेकिन कोई नेशनल कैलेमिटी होगी डिसास्टर हुआ और कोई एक्स्ट्रा जीएसटी में टैक्स लगाना है तो वो एक्स्ट्रा जीएसटी में टैक्स लगाना है तो जब तक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं होगी डिसाइड नहीं होगा ओके okay, और जीएसटी मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट मेजोरिटी से वोटिंग नहीं होगा तब तक बेटा यहां पे वो जो भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाना है वो लग नहीं सकता ठीक है तो उसका भी रिकमेंडेशन आएगी उसके बाद में ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ओके स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आसाम जम्मू एंड कश्मीर मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड उत्तराखंड ओके अब मैं आपको थोड़ा ये बात बता इसे स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है सर ये क्या होता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट अब देखो सबसे पहले तो जीएसटी में ये डिसाइड हुआ कि कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी अब इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेगी हमें पूरा टैक्स वन नेशन वन टैक्स रखना है हमारा नेशन पूरा है ठीक है फेडरल स्ट्रक्चर है सभी गवर्नमेंट डिवाइडेड है सभी गवर्नमेंट डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट में लेकिन हमें साथ में आना है और एक जैसा लॉ बनाना है और ये साथ में आना मतलब एक काउंसिल हम बना रहे हैं और एक जैसा लॉ बनाएंगे ठीक है आई बात समझ में पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू लेकिन यहां पे जैसे एक एग्जांपल लो कि अगर कोई बिजनेसमैन है ओके okay, कोई बिजनेसमैन है और जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि पूरे कंट्री में बीस लाख ,00 के टर्न और तक यानी जो भी वो सेल करेगा तो 20 लाख ,00 के टर्न और तक ओके 20 लाख ,00 के टर्न और तक जीएसटी नहीं लगाया जाएगा हाँ 20 लाख ,00 क्रॉस होने के बाद ओके 20 लाख ,00 क्रॉस होने के बाद फिर इनवाइस में जीएसटी लगाया जाएगा मतलब क्या मतलब अगर आप किसी दुकानदार के पास गए और वो छोटा दुकानदार है उसका टर्न 20 लाख ,00 से नीचे है तो जब वो आपको इनवाइस देगा ध्यान से सुनिएगा जब वो आपको इनवाइस देगा तो वो इनवाइस में वैल्यू समझ लो ओके okay, वैल्यू जो है इनवाइस में वैल्यू वो आपने कुछ गुड्स खरीदा और पचास हजार का गुड्स खरीदा और उसका टर्न ओवर बीस लाख से नीचे है मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ट्रेलर है पिक्चर तो अभी बाकी है सो so, यहाँ पे ओके okay, एक बिल निकला पचास हजार का पचास हजार पे आप गुड्स तो बेचा जाएगा पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा वो बेसिक एग्जामेशन में रहेगा बेसिक थ्रेशोल्ड में रहेगा ओके नाउ ये गवर्नमेंट ने बेसिक एग्जामेशन इसलिए दिया क्योंकि छोटे बिजनेसमैन को प्रमोट होने के लिए क्योंकि छोटे बिजनेसमैन ओके okay, ना लॉ का कंप्लायंस कर सकते ना जीएसटी का रिटर्न फाइल कर सकते ओके okay, क्योंकि उन वो जो है वो इतने डेवलप ही नहीं होते हैं कि वो सब कंप्लायंस कर सके और वो छोटे हैं तो छोटे हैं तो उन पे ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं आना चाहिए क्योंकि वो अगर टैक्स उनके ऊपर भी लगा दिया जाए तो वो बिग प्लेयर जो भी बिग मैन्युफैक्चरर है प्लेयर है या बिग बिजनेसमैन है उनसे वो बिजनेस कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे इसलिए गवर्नमेंट एक तरह का सपोर्ट देती है कि चलो आप छोटे लोग हो बीस लाख के नीचे आपका टर्न है आप बिजनेस करो बिना टैक्स के बिजनेस करो बिना टैक्स के तो टैक्स नहीं लगाएंगे तो ऐसा जो भी उसका टर्न होगा बीस लाख तक उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा लेकिन जैसे ही बीस लाख क्रॉस हो गया गवर्नमेंट ये मानेगी कि अब ये बड़ा आदमी हो गया है और

अगर उसके बीस लाख के टर्नओवर के नीचे अगर वही माल खरीदा तो आपको ओके okay, कम में आएगा लेकिन 20 लाख के बाद यानी उसका टर्न और बीस लाख क्रॉस खरीदा और बी, बाद में खरीदा तो जीएसटी लग के आएगा जीएसटी लग के आएगा तो ये बेसिक एग्जाम था तो यहां लिमिट okay, डिसाइड हुई बीस लाख कुछ केसेस में चालीस लाख ऐसे में बाद में बताऊंगा अभी तो बीस लाख लेके चलते हैं तो बीस लाख थ्रेश डिसाइड हुआ कि बीस लाख तक वो बिजनेसमैन टैक्स नहीं देगा जीएसटी अपने बिल में भी नहीं लगाएगा और अपने गुड्स की प्राइस कम रखेगा यहां तक समझ में आया क्या अगर यहां तक समझ में आएगा तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा बेटा पहली बात बता दूं हमारा फेस टू फेस बैच नहीं है तो आपके चेहरे मुझे नहीं दिख रहे है, तो मैं क्या समझा रहा हूं क्योंकि मेरे, मैं teacher, okay, सामने नहीं है इसलिए मुझे आप रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज ओके okay, आपको यहां तक समझ में आया क्या हाँ थ्रेशोल्ड से रिलेटेड बाकी जो भी क्वेश्चन हो ओके okay, वो मैं बाद में लूंगा चलो बोलो फटाफट बोलिएगा बेटा आपके जो भी क्वेश्चन हो गए मैं बाद में तो लूंगा ही जो भी मुझे देख रहे हैं बेटा एटलीस्ट रिप्लाई करने में तो आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा वेरी गुड राघव जयेश चिराग रितेश मुक्ता वंश वेरी गुड चलो ठीक है ठीक है यहां तक समझ में आया अब क्या हुआ भाई महाराष्ट्र अगर हम ले महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान एक्सेट्रा बेटा आप अगर कोई अदर स्टेट तो बुरा मत मानना क्योंकि मैं सब स्टेट के तो नाम नहीं ले सकता यहाँ के बिजनेसमैन क्योंकि ये स्टेट जो है थोड़े इनका ग्रोथ अच्छा है यहाँ के बिजनेसमैन का टर्न भी अच्छा खासा हो जाता है यानी यहां तो ओके रास्ते पे जो समोसा बेचता है उसका भी टर्न ओवर पंद्रह बीस लाख हो जाता है ओके डेवलप स्टेट है मैं डेवलप स्टेट की बात करूंगा देखो मैं पॉलिसी बता रहा हूँ इसमें अगर कोई स्टेट ओके okay, यहाँ पे जैसे उत्तराखंड होगा हिमाचल का कोई स्टूडेंट होगा बेटा तो बुरा मत मानना गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या हुआ ओके okay, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल इमेजिन करो सभी स्टेट्स के मेंबर में में बैठे हैं और मैं चेयरपर्सन हूं मैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हूं और मैं एक प्रपोजल रख रहा हूं परिषद में 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 काउंसिल कि क्या क्या हम सभी स्टेट 20 लाख का रखे यानी अपने बिजनेसमैन को 20 लाख का बेसिक एग्जामेशन क्या सभी स्टेट ने कहा हा 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 ओके लेकिन कुछ स्टेट की नाराजगी थी कुछ स्टेट की नाराजगी थी क्या थी कि नहीं नहीं ओके कु, कुछ स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ने हाथ उठाया और कहा कि सॉरी ओके बीस लाख का एग्जामेशन ओके यानी बीस लाख तक बिजनेस से जीएसटी ना कलेक्ट किया जाए थोड़ा ज्यादा हो जाता है ओके okay, ना कलेक्ट हो जाए ज्यादा हो जाता है ओके okay, तो मैंने एज अ चेयर पर्सन समझ लो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मैं हूं मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है बीस लाख तो छोटा अमाउंट है तो समझ लो यहाँ पे उत्तराखंड या स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में हमने देखा यहाँ पे ओके okay, अरुणाचल प्रदेश आसाम जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड जो उन्होंने लिस्ट दिए उन्होंने कहा नहीं नहीं ओके okay, हमारा स्टेट में जैसा उत्तराखंड लो हिम, आ, एक और मिजोरम ले लो मणिपुर ले लो हिमाचल प्रदेश ले लो उन्होंने कहा हमारा हिली एरिया है ओके okay, हिली एरिया में पहले बिजनेस कम होता है या बैकवर्ड एरिया है बैकवर्ड एरिया में बिजनेस कम होता है ओके okay, हो सकता है कि महाराष्ट्र के बिजनेसमैन के लिए बीस लाख कम है पर हमारे बिजनेसमैन के लिए 20 लाख ज़्यादा है Okay, वो बीस लाग, लाग का करता है उसमें से भी आएगा ही नहीं हमारे स्टेट का ही नहीं। तो हम इतना बड़ा लिमिट नहीं रखेंगे अब कुछ स्टेट को ये लिमिट ज्यादा लगती है कुछ स्टेट को ये लिमिट ज्यादा लगती है बीस लाख कुछ स्टेट को बहुत कम लगती है तो ऐसे केस में उनका कहना है कि नहीं नहीं हमारे स्टेट में तो हम दस लाख ही रखेंगे दस लाख के बाद हम जीएसटी कलेक्ट करना चालू कर देंगे ये समझ में आया दस लाख के बाद हम जीएसटी कलेक्ट करना चालू कर देंगे तो ऐसे सिचुएशन में ओके, कुछ स्टेट की रिक्वेस्ट को ख्याल में रखते हुए, ओके, जीएसटी काउंसिल ने ये किया कि भाई हम बेटा तो अरुणाचल प्रदेश आसाम जम्मू एंड कश्मीर मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ओके okay, तो सर ये याद रखना पड़ेगा यस yes. ओके okay, और इसकी एक मेमोरी टेक्निक बना लेना तो इतने स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट जो आएंगे और ये स्टेट जो है पहले तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया बस यही स्टेट है और ये स्टेट कुछ प्रोविजंस अलग कर सकते हैं मतलब क्योंकि वैसे तो हम सब ने कसम खाई है कि यहां पे पूरे इंडिया में जीएसटी की पॉलिसी हम सेम रखेंगे जीएसटी की प्रोविजन हम सेम रखेंगे पर ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट जो है ओके okay, अगर ये चाहे तो कुछ प्रोविजन्स ये अलग चला सकते हैं जैसे जैसे सबके लिए बेसिक थ्रेशोल्ड बीस लाख रुपए है लेकिन ये स्टेट चाहे तो दस लाख रुपए रख सकती है तो ये सभी स्टेट को अलाउ नहीं किया उन्होंने लिस्ट बनाई और इसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट को उन्होंने कुछ प्रोविजन अलग चलाने की परमिशन दी बात समझ में आई बेटा तो ये कौन कौन सी प्रोविजन इनको अलग चलती है तो मैं जब जीएसटी लॉ चालू करूंगा मैंने तो अभी तक जीएसटी लॉ चालू ही नहीं किया मैं तो मैं सब बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूं जब मैं जीएसटी लॉ चालू करूंगा बेटा तो जीएसटी लॉ चालू करते वक्त ओके मैं बताऊंगा कि कंपोजिशन स्कीम थ्रेशअल एग्जामेशन एग्जामिशन ओके इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में कुछ अलग से चलता है ठीक है यस और नो तो चलो आपको एक होमवर्क देता हूँ ओके okay, एक होमवर्क देता हूं जितने भी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हमने पढ़े ओके okay, जितने भी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट पढ़े एक बार लिख के देखो नीचे आपको टाइटल दिखेगा स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट एक बार लिख कर देखो और फिर आपको एक होमवर्क दूंगा कि आप एक मेमोरी टेक्निक बना ठीक है तो चलो लिखो फटाफट स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट ओके पहला अरुणाचल लिख कर देखो हाँ लिख कर देखो पहला अरुणाचल प्रदेश ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है कुछ प्रोविजन इस स्टेट में अलग चल सकती है दूसरा बेटा क्या आसाम चलो इसके आगे पूरा आप एक बार लिख के देखो और एक होमवर्क दे रहा हूं कि इसकी मेमोरी टेक्निक आप बनाओगे इसकी मेमोरी टेक्निक आप बनाओगे सवाल है कि जितेश का सर अगर एक स्पेशल स्टेट और एक नॉन स्पेशल स्टेट इंटर स्टेट होगा जितेश मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेट अलग हो गए मैं ये कह रहा हूं कि थ्रेशोल्ड की लिमिट्स अलग होगी रेट एक जैसे ही हो गए रेट एक जैसे ही हो गए यानी रेट 12 परसेंट अठारह परसेंट या 28 परसेंट ये रेट एक जैसे हो गए हाँ कुछ प्रोविजन सब नहीं कुछ प्रोविजन जैसे Threshold की प्रोविजन है एक्सिबिशन की प्रोविजन है कंपोजिशन स्कीम की प्रोविजन है वो अलग चलती है ये थोड़ा हम आगे देखेंगे रेट एक जैसे ही हो इसलिए आईजीएसटी में फर्क नहीं पड़ेगा चलो आपने लिस्ट लिख लिया फटाफट ये लिस्ट लिख लिया क्या फटाफट आप सभी ने लिस्ट लिख लिया बेटा फटाफट चलो चलिए अब इसका मेमोरी टेक्निक आपने जरूर बनाना कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट जो है आपको हंड्रेड परसेंट नहीं भी समझ में आएगा स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का तो कोई बात नहीं है जब मैं जीएसटी लॉ पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा डोंट वरी फॉर दैट और लास्ट एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी तो उसके ऊपर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड दे सकता है तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि जीएसटी काउंसिल किस बातों का रिकमेंडेशन किन किन बातों का रिकमेंडेशन दे सकता है ठीक है चलो ओके okay, ये हमने देखा स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट तो हो गया जीएसटीएन पोर्टल ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा जीएसटी एन पोर्टल क्या होता है ओके okay, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये पोर्टल कैसे होता है तो इसको हम बाद में देखेंगे ये कंसेप्टो जीनेंसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया भाई जीएसटी के जीन्स क्या थे कैसे डेवलप हुए जब एक आदमी बना ओके तो आदमी जो है अमीबा से डेवलप होते होते मंकी मंकी से डेवलप होते होते आदमी बना ऐसे जीन्स डेवलप हुए तो जीएसटी के जीन्स कैसे डेवलप हुए जिनेंसिस ऑफ जीएसटी बताता हूँ भाई डॉक्टर केलकर टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया था 2004 में कि इंडिया में जीएसटी लाना जरूरी है और नेशनल जीएसटी लाना जरूरी है यानी पहला रिकमेंडेशन केलकर कमेटी का आया 2004 में जब वाजपेयी सरकार थी और उन्होंने ये केलकर कमेटी ने कहा था कि भाई जीएसटी इंडिया में अब लाना ही पड़ेगा ये बहुत हो गया अलग अलग टैक्सेस अलग अलग वैट और अलग अलग सेल्स टैक्स तो उनका रिकमेंडेशन आया दो में मतलब पहला जीन्स तैयार हुआ ओके जींस डेवलप हुआ कि भाई जीएसटी नेशनल जीएसटी लाया जाए 2006 में सर एग्जाम के लिए लर्न करना है क्या कोई जरूरत नहीं ठीक लेकिन डेवलपमेंट तो देख लो 2006 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कहा कि यस हम जीएसटी लाएंगे और जीएसटी अप्रैल 2010 से लाएंगे ओके okay, कि भाई मूड द आईडिया ऑफ जीएसटी फ्रॉम अप्रैल 2010 ओके okay, तो 2006 में कहा गया कि यस हम जीएसटी इंडिया में लाएंगे इंडिया भी पीछे नहीं रहेगा और 2010 से हम जीएसटी लागू करेंगे वो बात अलग है कि यूपी यूपीए गवर्नमेंट जीएसटी लागू नहीं कर पाई और मोदी जी ने लागू कर दिया ओके okay, तो यहाँ पे उसके बाद में 2014 में ओके okay, 2014 में जैसे ही मोदी जी मोदी गवर्नमेंट आई बीजेपी गवर्नमेंट नहीं मोदी गवर्नमेंट कहते हैं बीजेपी तो सिर्फ अब नाम के लिए रहा ठीक है तो अब ऐसे केस में जैसी मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने ओके okay, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस से कुछ नहीं होता है भाई हम करेंगे जो भी करेंगे ओके okay, तो मैं मोदी जी के फेवर में भी हूं तो अगेंस्ट में भी हूं ओके okay, तो मैं दोनों भी हूं बेटा कभी फेवर वाली बातें कहूंगा तो कभी अगेंस्ट वाली बातें कहूंगा जो मोदी जी ने किया जिस आज तक पिछले ओके आफ्टर इंडिपेंडेंस में बात करूं तो आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर का किसी के हाथ लगाने की ताकत नहीं थी आगे मोदी गवर्नमेंट ने करके दिखाया तो उनके कुछ चीज़ें गलत भी है जैसे मैं ये कहूँगा मोनोटेरियम बहुत बड़ा गलत डिसीजन था ओके तो उसका कोई फायदा इंडियन गवर्नमेंट को नहीं हुआ सिर्फ बर्डन ही आया तो वाटे रेट में भी ओके और मैं फिर से कह देता हूँ मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा ठीक है <laughs> तो अब यहाँ पे आ 2014 में मोदी जी ने ओके okay, जीएसटी लाना था तो जीएसटी लाना था तो हमारे संविधान में संशोधन करना बहुत जरूरी था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया ओके okay, 2014 में ठीक है और 2016 में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिल था ओके okay, वो पास करवाया और हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुए और बहुत से नए आर्टिकल लाइक आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए उसके बाद में 269 ए 279 ए ऐसे नए नए आर्टिकल ऐड किए गए और जीएसटी लगाने की पावर जो है वो लाई गई तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे संविधान में संशोधन दो हुआ था जीएसटी लाने का ओके वो हंड्रेड एंड फर्स्ट हुआ था ये तो बिल था बेटा ये बिल मतलब प्रपोजल था पर एक्चुअल अमेंडमेंट 101 एक एक अमेंडमेंट हुई थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था ठीक है फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने के बाद लॉ बनाने की पावर मिली क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता है हम लॉ नहीं बना सकते तो लॉ बनाने की पावर मिली और 2017 में जैसे ही में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई नए नए आर्टिकल्स लाए गए ओके जीएसटी लगाने के लिए और लोकसभा राज्यसभा में ओके सेवेंटी सॉरी टू थर्ड से ज़्यादा वोटिंग ली गई और उसके बाद में फिर ओके जीएसटी लेजिसलेशन लाए गए और जीएसटी एक्ट लाए गए पहले बिल प्रेजेंट हुए बिल मतलब प्रपोजल प्रेजेंट हुआ और जीएसटी एक्ट लाया गया बेटा और दो 2017 में और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया गया 1 जुलाई 2017 से ओके okay, जीएसटी के सभी लॉज इंप्लीमेंट कर दिए गए ठीक है तो ये था बेटा जिनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया ओके यहाँ पे ये हमने किया इसके बाद का ये ओके ऑफ वैट विदाउट वैट वैट क्रेडिट ये तो हमने पूरा कंप्लीट किया ही है बेटा ओके यहाँ देखा है चलो अब आज का सेशन थोरॉटिकल था मैं मानता हूं ओके पर अच्छा लगा होगा तभी लाइक कर देना ओके okay, पर इसके बाद का सेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है अगर वो सेशन आपने नहीं समझा मतलब फिर आगे का कुछ भी आपके समझ में आने वाला नहीं है जिंदगी भर पछताओगे जीएसटी में आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा वो बात अलग है कि रिकॉर्डेड सेशन आप बाद में देख सकते हो लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में सेशन करोगे तो बहुत अच्छी बात है तो आज का सेशन ओके okay, हम यहीं रोकते हैं आई रिपीट आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं इसके बाद का सेशन जो है ओके okay, वो आ, कल होगा कल संडे है पर कल होगा बेटा और मेरे ख्याल से 11 बजे होगा 11 बजे तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना 11 बजे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है पर बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा मजा आएगा आपको कल के सेशन में आज थेटिकल डिस्कशन था कल टेन थर्टी या 11 मैं नोटिफिक वो अपडेट कर दूंगा यहाँ पे लिंक 10:30 या 11 उस टाइम पे होगा चलो और अगर किसी को भी दिक्कत होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं वो तो रिकॉर्डेड सेशन है आप बाद में देख सकते हो पर वो सेशन जरूर देखना जैसे भी आपको टाइम मिले ओके 10:30 और 11 को कल का सेशन होगा तो तभी आज का सेशन थ्योरेटिकल डिस्कशन था तभी अच्छा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक मिठाई हो जाए ठीक है और एक कमेंट हो जाए आपकी कल का नाजमिन टाइम कह रहा हूं ना मॉर्निंग में टेन थर्टी या इलेवन रहेगा और मेरा जीएसटी का एक्चुअल बैच तो पंद्रह फेफ से चालू होगा कल का सेशन मॉर्निंग में टेन थर्टी या इलेवन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन में भेज दूंगा ठीक है टेन थर्टी और 11. चलो यहां आज का सेशन एंड करते हैं ओके आगे का डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑफ जीएसटी बेटा अगर आपने नोट्स डाउनलोड की होगी तो नोट्स के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ओके वो व्हाट्सएप पे करो और कोई अगर आपको अर्जेंट मेरे से बात करनी होगी तो क्योंकि वो मेरी जीएसटी रिसर्च टीम संभालती है और आपको कोई अर्जेंट बात करनी होगी तो आप जो है ओके रेफर कीजिएगा कि नीड टू टॉक विथ विशाल सर अर्जेंटली तो वो रेफर कीजिएगा तो मेरी टीम मुझे फॉरवर्ड कर देती है चलो सर इंटर का बैच कब से चालू है बेटा इंटर के बैचेस तो चालू हो गए आपको कॉस्टिंग के डेमो लेक्चर चालू है और जैसे डेमो लेक्चर खत्म हो जाएंगे रेगुलर दो तीन दिन बाद रेगुलर लेक्चर भी ऑनलाइन डाउनलोड मोड में अवेलेबल हो जाएंगे अकाउंट्स के भी चालू है उसके बाद में विजय सर के एक दो दिन में ओके अब डेमो तो हो गए अब आगे के लेक्चर ऑनलाइन डाउनलोड मोड में चालू हो जाएंगे ठीक है चलिए नहीं बेटा पेट्रोलियम लीकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो वैट लगेगा उसका क्रेडिट नहीं है वैट का वैट, वैट का वैट में भी नहीं है डबल टैक्सेशन है वहां पे जीएसटी तो दूर दूर का सवाल नहीं आता है चलिए तो कल मिलते हैं इधर टेन थर्टी और एलेवन मैं ओके लिंक उसके क्रिएट करके रख दूंगा Okay, thank you to all of you. Good day, good night to all of you.